सो वेलकम बैक गाइस। सो गाइस क्या हाल चाल है सुका, उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब मस्त में गेट हुए तुम्हारे भी तो मस्ती गेट है। सो गाइस आज अपन फिर से लिए एक वीडियो लेके आ गया है। तो गाइस आज अपन बात करने वाले हैं, सो गाइस आप बी सी एस रैंक खेलते हो, बी आर रैंक खेलते हो, कोई से मोड खेलते हो, आपका गन का स्किन नहीं है अच्छा, आप डैमेज नहीं दे पाते हो बंदे को, जल्दी से जल्दी किल नहीं कर पाते हो, डाउन नहीं कर पाते हो, तो गाइस आज मैं आपको ऐसे कम्युनिकेशन बताने वाला हूँ टॉप 3 क्रिएटर जिसको यूज करके आप हाई डैमेज दे सकते हो सामने वाले बंदे को और जल्दी से जल्दी एक चुटकियों में एक क्लिक में उसको डाउन कर सकते हो, किल कर सकते हो। आपको मैं ऐसे ऐसे कैरेक्टर आपको मैं सजेस्ट करने वाला हूँ, हाई डैमेज कैरेक्टर मैं सजेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब जो पीरो पीरो बंदे यूज करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर जो यूज करते हैं हाई डैमेज कैरेक्टर, हाई डैमेज भाई, हाई डैमेज सुन रहो ना, हाई डैमेज एनिमी को पड़ेगा तो वो एक क्लिक में एक चुटकियों में डाउन हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो चलते हैं आपको मैं बताता हूँ वो हाई डैमेज कैरेक्टर कम्युनिकेशन 3 कैरेक्टर में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, उससे पहले गाइस चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि हमारे कोई सा भी लॉन्ग वीडियो मिस ना हो सके, हम इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं। ओके सबसे शुरू कर देना और लाइक कर देना मेरे भाई, लाइक करने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है दिल को, कर देना मेरे भाई, एक लाइक की तो बात है जरूर, कोई बात ना एक लाइक ओके और सबसे कर देना। तो चलते हैं आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर आपको लेके गेम प्ले करना चाहिए जिसकी मदद से आपकी आपकी गेम प्ले और भी बेहतर हो जाएगा और भी पीरो बन जाओगे आप लोग। ओके और इससे इसकी मदद से आपके जो हेडशॉट रेट है ये भी आपको इंक्रीज होगा गाइस। ओके तो चलते हैं आपको मैं बताता हूँ। सो गाइस अपन आ चुका है फ्री फायर में और भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर लेके आपको गेम प्ले करना चाहिए। ओके टॉप 3 कैरेक्टर में बताने वाला हूँ, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर है डैमेज देने वाला है, बट आपको मैं मेन कैरेक्टर बताने वाला हूँ जो पीरो बंदे यूज करते हैं और एक एक चुटकियों में एक क्लिक में डाउन कर देते हैं बंदे को, किल कर देते हैं। ओके तो चलते हैं आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं, कैरेक्टर कहाँ गया भाई, मेरे को समझ में नहीं आते आजकल जो ये नया अपडेट आ गया है। ओके और किसी बंदे को ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके तो यहाँ पे चलते हैं कैरेक्टर में, कैरेक्टर में आने के बाद गाइस यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कैरेक्टर। ओके सो गाइस फिर भी का हमारे नंबर 1 कैरेक्टर आता है जो हाई डैमेज देता है और किसी बंदे यूज करते हैं, मैं तो खुद यूज करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा यूज करता हूँ इस कैरेक्टर को, मैं तो हमेशा यूज करता हूँ इस कैरेक्टर को, इसको भी आप जरूर इस्तेमाल करना। इस कैरेक्टर बहुत ही हाई डैमेज देता है सामने वाले प्लेयर को, सामने वाले एनिमी को बहुत ही हाई डैमेज देता है और इसका आपको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे डैमेज इंक्रीज विथ डिस्टेंस 25%। ओके तो इसका मतलब होता है कि गाइस आप दूर से किसी भी एनिमी को मार रहे हो ना, ये हाई डैमेज आपको 25% इंक्रीज करके देगा। ओके तो भाई कतई ओपी कैरेक्टर है, इसको आप जरूर इस्तेमाल करना और डैमेज टू मार्क एनिमी इंक्रीज बाय 35%। ओके तो ये कैरेक्टर भाई डैमेज देने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, बहुत ही ज़्यादा ओपी है, इस कैरेक्टर को आप जरूर इस्तेमाल करना, बहुत ही ओपी डैमेज देता है बे, आप यूज़ करके देखो आपकी गेम प्ले कितना इंप्रूव होते है गाइस। ओके ये कैरेक्टर नंबर 1 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर है भाई डैमेज देने में। ओके तो इस कैरेक्टर को भी आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, सीएस खेल रहे हैं, बीआर खेल रहे हैं, कोई सा भी रैंक खेल रहे हैं, इस कैरेक्टर को तो हमेशा यूज करना, मैं तो हमेशा यूज करते हैं। तो अभी चलते हैं हमें नंबर 2 के, ये कैरेक्टर तो गाइस हमें नंबर 2 के द्वारा है डिशा के भाई, कती हो के कैरेक्टर को भी आप करना, ये भी हाइट में जो देते हैं सामने वाले प्लेयर के रूप यार, यहां पे आपको मैं बता देता हूं, देखो गाइस यहां पे सेशन आपको क्या पे देखो 18% जो इंक्रीज होता है ना, आपको ये रेट इंक्रीज होता है, कौन का रेट इंक्रीज होता है जो आप इधर उधर गोलियां जाता है ना, यहां पे इंक्रीज होता है, सीधे गोली जाएगा, सीधे सीधे गोली पड़ेगा तो कितना डैमेज पड़ेगा सामने वाले प्लेयर को, मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज होता है 18% और यहां पे 12% यहां पे 4% मूवमेंट होता है आपकी, जो मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होता है, गन का मूवमेंट इंक्रीज होता है, गन का स्पीड इंक्रीज होता है, जल्दी जल्दी गोलियां लगते हैं। ओके आपको मैं साधारण भाषा में समझा दे रहा हूं। ओके तो देखो यहां पे नंबर 2 पे आते हैं, यहां पे मूवमेंट स्पीड गाइस दिस कैरेक्टर को आप गोली के साथ साथ आप गोली को बारिश करोगे सामने वाले आप लग जाते हो, और आपको इस यहां पे आपको मैं समझा देता हूं थोड़ा, दिस कैरेक्टर को यूज करने से आप इस कैरेक्टर को भी जरूर यूज करना भाई, बहुत ही कतई ही ओपी कैरेक्टर है, रेट पे देखो ऊपर जो गोली इधर इधर जाता है, डैमेज और सर्वाइवल लिखा हुआ है। ओके तो इसके गोली जाएगा, इसको आप ये इस्तेमाल डैमेज देता है और ये मूवमेंट आप सर्वाइवल भी कर सकते हो, जो सामने वाले प्लेयर को आप जल्दी से जल्दी किल कर सकते हो, जल्दी से जल्दी किल कर सकते हो, दिस कैरेक्टर को आप लेके गेम प्ले कर आपको नंबर 3 कैरेक्टर आपको और जितने भी सारे मैं 3 कैरेक्टर बता रहा हूं ना, ये हाई डैमेज कैरेक्टर है गाइस, ये हाई डैमेज कैरेक्टर है और गाइस हमारे नंबर 3 आता है, आपको मैं नंबर 3 कैरेक्टर आपको डैमेज वाला कैरेक्टर में बता देता हूं। ओके तो आपको मैं बता दिया, यहां पे गाइस कहां गया हमारे 3 कैरेक्टर, कहां गया क्या गया रुको आपको मैं दिखाता हूं। सो गाइस हमारे 3 कैरेक्टर आते हैं, निकिता नंबर 3 यहां मेरे भाई, निकिता कैरेक्टर भाई ये लड़की है, मत समझना भाई, 3 कैरेक्टर आते हैं, बहुत खतरनाक है, बहुत ही ओपी डैमेज देता है ये कैरेक्टर। तो यहां पे देखो ऊपर भी लिखा हुआ है फॉर्म चौन, यहां पे डैमेज भाई, डैमेज कितना ही ओपी देता है ये कैरेक्टर, आप ये 3 कैरेक्टर को जरूर यूज करके देखो उनका रिलोड डैमेज कितना इंप्रूव होता है, फिर आपको कमेंट करके बोलना है भाई क्या आप जादू बता दिया है, तो इससे बोलोगे और सामने प्लेयर वाला को ना, सामने वाला प्लेयर को आप डैमेज देगा, क्योंकि मैं एक क्लिक में डाउन कर सकता हूं, आपकी कोई स्किन नहीं है और स्किन होते हुए
आप इसको जल्दी से देख किल करके डैमेज करके डाउन कर सकते हो, पूरा स्क्वायर को खत्म कर सकते हो। ये तीन गेटर आप यूज कर रहे हो और यहां पे आपको मैं बता देता हूं, तो रिलोड स्पीड यहां पे और आप 20% करना होते गाइस। आप लोग कोई शॉटगन चलाते हो, कोई से भी गन चलाते हो, यहां पे रिलोड बहुत ही तेजी से होता है। 20% भाई कम नहीं होते, बहुत ही ज्यादा होते हैं। और यहां पे 15% 30% लिखा हुआ है, इसका बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो गाइस बुलेट आप जो मारते हो ना, 15% आपको इंक्रीज होगा बुलेट, ओके। और यहां पे बहुत ही हाई डैमेज पड़ने वाला है सामने वाले प्लेयर को। और यहां पे 30% जो लिखा हुआ है ना गाइस, ये 30% क्या होता है कि गाइस आपको मैं बता देता हूं, ये 30% ज्यादा डैमेज देगा, ओके। 30% से ज्यादा डैमेज देगा, ये कम नहीं होते, बहुत ही ज्यादा डैमेज देता है। और ये वो गन को ये डैमेज दे सकता है, एसएमजी गन को ये डैमेज दे सकता है गाइस, ओके। आप कोई सा भी गन चला रहे हो एसएमजी गन, तो ये 30% डैमेज देगा, 30% आपको हाई डैमेज देने वाले सामने वाले प्लेयर को, ओके। एसएमजी गन की मैं बात कर रहा हूं, ओके। एसएमजी गन कोई सा भी गन चला रहे हो तो आप एसएमजी गन से 30% आप यहां पे डैमेज इंक्रीज कर सकते हो, सामने वाले प्लेयर को दे सकते हो, ओके। तो यही था, ये तीन कैरेक्टर हाई डैमेज कैरेक्टर है, इसको जरूर इस्तेमाल करना, आपकी गेम प्ले कितना इंप्रूव होता है देखना। एक चुटकियों में सामने वाले प्लेयर को किल कर दोगे भी तुम लोग, ओके। तो यही था आज का वीडियो, पसंद है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय बाय गाइस।